क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही उस वार्ड में सोलह में? वर्ष 2007 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 16 से, और मैं सिर्फ पार्षद था। और उस समय में वर्ष 2007 से लेके 2014 तक विजय जी मुख्य पार्षद थे, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसे विरोधी नहीं, वो मुझे विरोधी समझ के मेरे वार्ड में एक भी कोई योजना ना कोई कार्य दिए। वर्ष 2014 में पुनः हम मुख्य पार्षद बने नगर परिषद क्षेत्र से, मेरा वार्ड नंबर 16 है। और जितना भी जनता हमारी वार्ड नंबर 16 के अपेक्षित हुए थे, लगभग सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको हमने धरातल पे पहुंचाने का काम किया है। उसमें कुछ कार्य थोड़ा बाकी है, और वो भी लगभग मुख्यमंत्री के साथ निश्चय के तहत जो भी योजना अभी चल रहा है, लगभग सारा योजना वार्ड नंबर 16 में अंतिम का रूप ले रहा है। इस बार आपकी पत्नी सुधा कुमारी वहां से प्रत्याशी है वार्ड नंबर 16 से, यदि जनता उनको चुन लेती है तो आप लोग क्या, आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी, कौन से काम बचे हुए हैं, क्या आप लोग करवाएंगे, क्या योजना है आगे की? सबसे पहले है कि जितना ये हमारा मुख्य बाजार के बीचों बीच रहने के बावजूद भी बहुत कार्यों से अपेक्षित रही है ये हमारी वार्ड, तो समय कम मिला मुझे यहाँ पूरा काम करने के लिए। तो चूंकि ये पंचवर्षीय योजना है, 5 साल पूरे हो गए, अब फिर से जो चुनाव हो रहा है तो ये आरक्षण में ये सीट आ गया, अगर ये आरक्षण में नहीं आता तो मैं पुनः इस सीट से मैं चुनाव लड़ता, जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मैं पुनः फिर से यहाँ का मैं वार्ड पार्षद बनता। और चूंकि ये आरक्षण में सीट आ गया तो हमारी पत्नी यहाँ से अपनी उम्मीदवारी दी है, जो भी इस वार्ड का बचा हुआ कार्य है या जो बचा हुआ योजना है उसको पूर्ण कराने का काम करेगी। मुख्यमंत्री सात निश्चय के तहत स्वच्छ पेयजल, हर घर नल का व्यवस्था करवाना, जिसकी मैंने टेंडर करवा लिया है, उसमें वार्ड नंबर 16 भी है, बहुत जल्द ये कार्य पूरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रथम चरण में 52 आवास हमने गरीब व्यक्ति को दिया है, जो इस जो ये लाभ लेने लायक है, जो सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पे हमने यहाँ के लाभार्थी को हमने लाभ दिया, प्रथम किस्त भी हमने दे दिया। और बाकी प्रथम चरण का ये है, दूसरे चरण जो वित्तीय वर्ष 17-18 का है उसमें हमारा 140 बाकी बचा हुआ लाभार्थी चयनित है, जिसका कार्य पूरा करने के लिए हमारी पत्नी इन लोगों के बीच रहेगी सेवा करने के लिए। कुमार जी, मंजू देवी आपकी पत्नी इस वार्ड से प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़ी हुई है, आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में जो यहाँ वार्ड पार्षद जो भी रहे हैं उनके द्वारा क्या काम यहाँ हुए हैं, और वार्ड में आपको क्या कमियाँ नजर आती हैं? कमियाँ सर बहुत है, हर जगह कचरा पड़ल रहता है, हर जगह नाला साफ समय पर नहीं होता है, कचरा साफ होता है, जबकि जी लाइट जलता है, कभी जला नहीं हो जला, रोड टूट जाता है, नाला साफ होता है मिट्टी ऊपरी में जमा रहता है, उठाने वाला नहीं मिलता है। और इससे ज़्यादा क्या आप तो सब देखिए रहे हैं, पूरा सब हाल है। जब मेरा कुछ चेयरमैन खुद मालिक का सबसे है वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा तो काम है कि सर कि हम एक बार खुद वार्ड कमिश्नर बने कि जो समस्या है उसको हम हल करें, और क्या करें, हल करें। और उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि बहुत को घर में वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, और बहुत को कि वो जो लाभ मिलना चाहिए जिसको उसको लाभ नहीं मिल रहा, सरकारी योजना का सही लाभ नहीं हो रहा, जो सरकारी प्रावधान है जो उसको हर आदमी को मिलना चाहिए, जिसको घर में बनिया नहीं है उसको वाजिबन मिलना चाहिए। हम तो सबसे पहले अगर वैसा हुआ तो हम पहले सफाया सुथरा देखेंगे, जिसको वाजिब मिलना चाहिए उसको दिया जाएगा, जो काम बचेगा उसको करवाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति क्या है, इसमें परिणाम को मिला है? प्रधानमंत्री योजना है जिसको वाजिबन मिलना चाहिए, कुछ अभी अब जाया जाए उसको पता किया जाए तो वहाँ पर कुछ घर ऐसा है कि जब जिसको झोपड़ी है उसको नहीं मिला, कुछ ऐसा भी घर है जिसको एक घर में 4-5 में मिल गया है, और किसी को ऐसा भी हुआ है कि किसी को ऐसा भी मिला है कि किसी को मिलवे नहीं किया, और किसी को ऐसा भी प्रावधान कर रहा है कि अगला बार आपको दिया जाएगा, कागज दीजिए कि दीजिए उदिया जाएगा, ये सब प्रावधान अभी इलेक्शन में चल रही है, मतलब आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि इसके बाद हम उसको हम जब जीतेंगे तब उसको प्रावधान को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लगता है कि वार्ड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और
आप यदि जीतते हैं तो कौन किन कामों का प्राथमिकता देंगे, क्या सब करवाना है? हम तो पहला काम करवाएंगे जिसको सफैया साफ सुथरा करवाना चाहते हैं, जहाँ कचरा बैठे रहता है वहाँ टकरी नहीं है, वहाँ सफैया करवाएंगे। टाइम टेबल अपना जहाँ पर रोशनी चाहिए वहाँ रोशनी देना पड़ेगा, जिसको आजीवन सामान मिलना चाहिए उसको देंगे। और जहाँ तक रहा कि अभी जाके मोहल्ला में ऐसी स्थिति है कि आप ठीक से चल नहीं पाइएगा। और दूसरा बात कि हम पहले सबसे पहले जो बुजुर्ग आदमी है जिसको चाल चलन नहीं है, जो सरकार से जो योजना मिलता है जिसको वृद्धा पेंशन कहते हैं, हम उसको पहले करवाएंगे। और कोटा का जो मेरा वार्ड में कोटा होना चाहिए, कोटा ही नहीं है। कोटा कभी उठ के जाता है, उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर से लाता है, कभी उधर लाता है। मतलब किसी को ना तेल मिलता है टाइम टेबल, ना अनाज मिलता है। मतलब ये सब प्रक्रिया है। हम जब जीतेंगे तो हम पहले सबसे पहले तो वही अनाज वाला काम करवाएंगे और साफ सुथरा बर्तन वाला काम करवाएंगे। खबरें आप तक पत्थरों सी, रोज सुबह दरवाजे पर हम नहीं फेंकते, हम पहुंचाते हैं वो बात जिसमें जिक्र होता है सियासत की, समाज के अन्य मुद्दों की, जिससे जुड़ा है आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला। वो हर खबर सीधे आपके हाथों में, सबसे पहले मधेपुरा टाइम्स के साथ, कोसी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ऑनलाइन न्यूज़पेपर मधेपुरा टाइम्स, www.madhepuratimes.com पर पढ़ते रहिए हर खबर जिम्मेदारी के साथ।